अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा, और लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला केस, जो कि मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज़ कनेक्टेड टू अ हेलिकल स्प्रिंग के नाम से था, उसे हम लोगों ने प्रूव किया था कि उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और फिर आज की जो वीडियो है हमारी, वो हमारी सेकेंड केस के ऊपर होगी, जो कि मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल के नाम से है। मतलब एक बॉडी जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रही है, उसकी प्रोजेक्शन की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे आज प्रूव करना है, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो लंबी होगी, क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखनी होंगी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो लेक्चर होगा, फिर ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 होगा चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 1 का, या पार्ट ए का, जिसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया हुआ है। फिर ये जो है हमारे पास केस 2 है, ठीक है, और इसका नाम क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रोजेक्शन किसी पार्टिकल की जो कि मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, या फिर सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो जो हमारे पास इस प्रोजेक्शन की जो मोशन होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। सिंपली हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, और असल में ये एक कनेक्शन भी है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है, और वही चीज़ जो आपकी नोट्स के अंदर पूरी एक वर्डिंग वगैरह लिखी होती है, तो वो हम लोग यहाँ पे वैसे ही समझ लेते हैं। तो सपोज़ करो कि एक पार्टिकल है जिसको हमने पी से यहाँ पे जो है डिनोट किया हुआ है, और ये जो ये मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये इस सर्कल का जो है वो सेंटर है, और ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास डायमीटर होगी, जो कि ए बी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये जो पार्टिकल है ये हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, और अगर इसकी प्रोजेक्शन को हम लोग इमेजिन करें, फ़र्ज़ करो कि यहाँ से जो है वो हमने इसके ऊपर लाइट मारी, और प्रोजेक्शन का हम लोग वर्ड पहले भी यूज़ करके आ चुके हैं, इसको जो है वो साया बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब कि शेडो। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके ऊपर लाइट मारें तो हमें पता है कि इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो इस वाले बॉडी के ऊपर, मतलब ए बी के ऊपर, ये डायमीटर के ऊपर कैसे आ रही होगी, यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही होगी, पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे होगा पार्टिकल तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रही होगी। फिर इसी तरह अगर करते करते हम लोग यहाँ पे देखें, पार्टिकल यहाँ पे तो इसकी प्रोजेक्शन यहीं पे ही होगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो नीचे से अगर हम लोग इसके ऊपर लाइट मारें या इसको जो है वो रोशनी दें तो इसकी जो हमारे पास प्रोजेक्शन आ रही होगी वो यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आएगा तो यूँ आ रही होगी, फिर करते करते यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे आएगी, और इसी तरह से इसकी जो हमारे पास प्रोजेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी पूरी सर्कुलर मोशन के अंदर, जहाँ जब जैसे जैसे ये परफॉर्म कर रहा होगा। तो अगर इसको गौर करें, इसके ऊपर देखें, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा इस वाले पॉइंट ए के ऊपर, तो जो हमारे पास प्रोजेक्शन होगा क्यू, प्रोजेक्शन को हम लोग डिनोट कर लेते हैं क्यू से, चले क्यू से जो है उसको याद रखें कि जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो जो क्यू होगा या फिर प्रोजेक्शन होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो जो प्रोजेक्शन होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे तो प्रोजेक्शन यहाँ पे, और इसी तरह जैसे जैसे ये यहाँ पे मूव करता रहेगा जो प्रोजेक्शन है इसकी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी, ठीक है। फिर जब पार्टिकल इस तरह से इस हाफ ऑफ द सर्कल के ऊपर आएगा और यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा तो यहाँ पे होगा तो पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि इस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर अब दोबारा से जल्दी से देखें तो पार्टिकल जैसे यहाँ पे आएगा तो इसकी जो प्रोजेक्शन की मोशन होगी वो यूँ होगी, यहाँ से यूँ जाएगा तो उसकी मोशन यूँ होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, या फिर इस तरह से टू एंड फ्रो मूव कर रहा है अपने मेन पॉइंट के जो है वो अगेंस्ट, या फिर अपने मेन पॉइंट के टू एंड फ्रो एक तरफ और दूसरी तरफ जो इस तरह से मूव करता जा रहा है। और इसका मेन पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। मेन पॉइंट क्या है इसका, सेंटर ऑफ द सर्कल।
और फिर इसके एंड पॉइंट्स कौन से होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मीन पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है, और जो इसका एंड पॉइंट है यहाँ तक, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है इसका वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ये इससे आगे नहीं जाता जा सकता, ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। एम्पलीट्यूड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वाइब्रेटरी जो बॉडी होती है या फिर कोई बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये अगर सर्कल है तो इसके सेंटर से लेकर किसी भी एंड तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, रेडियस। और यही जो रेडियस है हमारे पास, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड है, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि रेडियस जो है वो आपके पास एक्स नॉट है, यानी कि एम्पलीट्यूड है हमारे पास इस पार्टिकल का, ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्शन का जो कि मोशन परफॉर्म कर रही है वाइब्रेटरी। और रेडियस जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, किसी भी एंड तक का डिस्टेंस होता है। तो तभी हमने यहाँ पे ये डिनोट कर दिया है कि जो रेडियस है वो आपके पास बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड है हमारे पास उस प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन क्यू का, जो कि परफॉर्म कर रही है ये वाली मोशन। अब हम लोगों ने बताना क्या है कि ये वाली जो मोशन हो रही है यहाँ पे इस प्रोजेक्शन की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमारा मोटिव है जो कि हम लोगों ने प्रूफ करना है इस वीडियो के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन या फिर इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये अपने सेंटर इस एंड पॉइंट की तरफ आएगा, मतलब यूँ आएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और यहाँ पर आगे ज़रूर हो जाएगी, फिर वो तेज़ी से जो है यूँ मूव करेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पर आएगा तो फिर कम हो जाएगी। मतलब ये कि इसकी एंड्स के ऊपर, जब अपने दोनों एंड्स के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर जब ये प्रोजेक्शन पहुँच रही होगी तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती भी नज़र आएगी आपको, और जब ये अपनी मेन पोजीशन के ऊपर होगी तो ये इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। और ये चीज़ भी हम लोग जो है वो यहाँ पर प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखनी है और उनको जो है वो ड्राइव करना है या उनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्शन क्यू की जो मोशन है, मोशन ऑफ क्यू जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मोशन है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूफ करना है। दूसरी चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे, ये इसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करके लेके आएंगे इसी पॉइंट क्यू के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या जो है वो इसका क्या फार्मूला होगा या क्या डेरिवेशन होगी वो भी हम लोग करेंगे। तीसरी चीज़ फिर हम लोग देखेंगे वही जो बात अभी हम लोगों ने की कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी जो है इस वाले इस प्रोजेक्शन की किस किस सूरत में होती है या कब कब होती है, ये भी एक चीज़ है, इसको भी जो है वो हम लोगों ने देखना है। और फिर सबसे आखिरी चीज़ जो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर एक चीज़ कही थी सबसे लास्ट में कि जो हमारे पास स्प्रिंग वाला केस था, यानी कि केस वन, उस केस वन के अंदर टाइम पीरियड का जो फार्मूला था वो हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ दिया था, बल्कि वहाँ पे ये कहा था कि जब हम लोग ये सेकंड केस कर रहे होंगे तो इसके अंदर इसकी जो डेरिवेशन है वो हम लोग कर रहे होंगे, तो ये भी हम लोग सबसे लास्ट में इस वीडियो के देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट वन से, या फिर पहली चीज़ से जो हम लोगों को प्रूफ करनी है, जो कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो प्रोजेक्शन है जो मोशन परफॉर्म कर रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि इस पार्टिकल पी की एक पोजीशन जो है हम लोगों ने कंसीडर कर ली है, जो कि यहाँ पे, और इस पॉइंट को नाम दे दिया है कि ये पॉइंट पी है जिसके ऊपर पार्टिकल हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो ओ है ये आपके पास सेंटर है सर्कल का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास हमने एक लाइन खींची जो कि आर कहलाता है बेसिकली, यानी कि रेडियस कहलाता है, और वो एम्पलीट्यूड भी है हमारे पास किसका, इस प्रोजेक्शन का। और फिर यहाँ से हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, ठीक है, पी क्यू
वाली डिस्टेंस को अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ओ से लेकर क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर मेन पोजिशन से लेकर एक्सट्रीम एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स नॉट, ठीक है, और बाकी जितना भी डिस्टेंस हो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वो एक्सट्रीम नहीं होता बल्कि वो डिस्टेंस होता है, तो सिंपली वो हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ओ से लेकर क्यू तक अगर देखें, यानी कि जब पार्टिकल इस वाले पॉइंट के ऊपर होगा तो उसकी जो प्रोजेक्शन बन रही होगी वो इस यहाँ पर बन रही होगी, इस पोजिशन पर बन रही होगी, तो हमने क्यू की जो पोजिशन है वो यहाँ पर बताई है, और ओ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के अंदर जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो भी रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, और जिसको आती है, जिसके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं, तो उन लोगों को इतना मसला नहीं होगा। वो क्या चीज़ें हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, तो एक ऐसी फोर्स होती है कि जो उसको सर्कल के अंदर रोटेट करने पे या सर्कल के अंदर घुमाने पे उसको मजबूर कर रही होती है, घूमने पे उसको मजबूर कर रही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। या फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसी फोर्स के जो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखे सर्कल के अंदर उसको हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको हम लोग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे होते हैं। और वो जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, वही बॉडीज़ को सेंटर की तरफ खींच रही होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है इसकी इसके ऊपर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लग रही होगी, लाजमी सी बात है, जो कि सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर उसको जो है वो खींच रही होगी, या फिर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ अंदर की तरफ जो है वो इस ट्राइंगल के ओ पी क्यू के अंदर की तरफ जो है बता दिए कि ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी है जो कि इस पॉइंट पी या पार्टिकल पी के ऊपर लग रही है जो इसको सेंटर की तरफ खींच रही है, और उसका अलग से एक ट्राइंगल हमने यहाँ भी बना लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ भी बना लिया हम लोगों ने, जो कि इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता रहा है, जो कि ए सी से हमने डिनोट की हुई है, ठीक है। और ए सी को फिर हम लोगों ने जो है वो तोड़ दिया है इसके पार्टिकल्स के अंदर, ये वाला जो पार्टिकल है वो ए वाई है या फिर वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हमने ए एक्स से डिनोट किया हुआ है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, और यही हमारे पास एक्सेलरेशन होगी इस प्रोजेक्शन क्यू की, कि जो इसको हमारे पास इस बॉडी इस प्रोजेक्शन को जो है वो यहाँ पर मूव करवा रही होगी। मतलब ये कि हम लोग जो भी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, क्या बोलते हैं उसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए होती है ना हमें, हम लोगों ने क्या चीज़ प्रूफ करवानी होती है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी होती है नेगेटिव एक्स की, उसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे, इसी से हम लोग प्रूफ करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, ए बी के अराउंड इस तरह से मूव कर रही है, ये इसका सेंटर है, इस तरह से मूव कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह अगर ये जो प्रोजेक्शन है ये इस तरह से मूव कर रही है तो कोई एक्सेलरेशन होगी जो इसको इस तरह से मूव करवा रही होगी, वो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का एक्स वाला कंपोनेंट, जो कि अगर हम लोग देखें भी यहाँ पे तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को अगर हम लोग तोड़ें इसके कंपोनेंट्स के अंदर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ा हुआ है, तो ये वाई वाला कंपोनेंट होगा और ये एक्स वाला कंपोनेंट होगा, और एक्स वाला कंपोनेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस प्रोजेक्शन की मोशन के लिए जो इस तरह से हो रही है। तो अभी हमारा काम क्या है कि हम लोग इस ए एक्स की जो है वो वैल्यू निकालें। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो जो ये बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है ये पॉइंट पी के ऊपर जो खड़ी हुई है, मतलब ये जो पार्टिकल है ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसकी जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जो कि ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होती है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम लोग इस पॉइंट पी के ऊपर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी देखें, ठीक है, बॉडी की लीनियर वेलोसिटी को अगर हम लोग कंसीडर करें तो लीनियर वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, जिसको हम लोग वी पी के नाम से जो भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में एक रिलेशन था जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि किसके बराबर था, v इज इक्वल्स टू
आर ओमेगा, ये भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों को अगर नहीं याद आ रहा तो आप लोगों को जो है वहाँ से रिवाइज करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वी की जगह पे हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और इनका होल स्क्वायर और अपॉन में आर। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास एम्पलीट्यूड है इस प्रोजेक्शन का, तो यहाँ पे आर की जगह पे हम लोग एम्पलीट्यूड या फिर एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू, और ये स्क्वायर जब इन पर गिरेगा तो आर की जगह पे हम लोग एक्स नॉट डाल रहे हैं, स्क्वायर गिरा तो यहाँ पे जो है वो स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, और ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर और अपॉन में एक्स की जगह पे एक्स आर की जगह पे एक्स नॉट जो कि हम लोगों ने वहाँ पे बता दिया, ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये तो हमने एक जनरल सी इक्वेशन बनाई है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए एक्स की। तो इस अगर ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करें, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू के अंदर अगर एंगल हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा अगर लगाएं, कॉस थीटा के मुताबिक कॉस थीटा का जो रेशो होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेस हमारे पास ए एक्स है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास ए सी है। तो ए एक्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए हो तो ए सी वहाँ जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए सी और साथ में कॉस थीटा। ए सी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ए एक्स इज इक्वल्स टू ये इसकी वैल्यू ए सी की जगह पे जो कि एक्स नॉट है और ओमेगा का स्क्वायर है, और साथ में जो है आपके पास कॉस थीटा आ गया। अब दोबारा अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, ठीक है, दोबारा अगर इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, हम यहाँ पे बना भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये जो है आपके पास एक्स नॉट है जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है यहाँ पे, और ये वाला जो डिस्टेंस है ओ से लेकर क्यू तक का ये एक्स है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ, मतलब इसी ट्राइंगल को हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा से बना लिया। एक पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीज़ें दिखा दी और एक पार्ट के अंदर हम लोग ये वाली चीज़ें दिखा रहे हैं। और अगर इसी थीटा को हम लोग कंसीडर करें तो दोबारा कंसीडर करो अगेन इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, कॉस थीटा आपके पास किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस आपके पास क्या है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स नॉट, ठीक है। तो आपके पास फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉस थीटा किसके बराबर हुआ, एक्स अपॉन एक्स नॉट। इसको हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा का स्क्वायर और एक्स अपॉन एक्स नॉट कॉस थीटा की जगह पे, ये कट गया इससे, ठीक है। ए एक्स जो है वो आपके पास बराबर आ गया ओमेगा का स्क्वायर और एक्स, और एक यहाँ पे जो है वो नेगेटिव का साइन भी आएगा। नेगेटिव का साइन क्यों आएगा, डायरेक्शन की वजह से। इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरफ आ रही है आपके पास, अगर हम लोग इसको दोबारा से थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करें तो ये फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे इसको कॉम्पोनेंट्स के अंदर कैसे ब्रेक करते थे कि एक इसका कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ जो कि एफ एक्स कहलाएगा, और एक इसका कॉम्पोनेंट होगा इस तरफ जो कि एफ वाई कहलाएगा। ये वाला जो एफ एक्स वाला कॉम्पोनेंट होगा इसकी डायरेक्शन यू होगी, ये बॉडी को यूँ खींच रहा होगा, और एफ आई वाला यूँ खींच रहा होगा, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन की जो आपके पास डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अगर हम लोग इसको इसके कॉम्पोनेंट्स के अंदर तोड़ें तो एक जो होगा वो ए वाई वाला कॉम्पोनेंट होगा जो इस तरफ होगा, और एक जो होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा जो कि ए एक्स वाला होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया वो भी है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये वाली प्रोजेक्शन है, ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ये इसको इस तरफ खींच रहा होगा उल्टी डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव का साइन आएगा जो कि ये बता रहा होगा कि जो प्रोजेक्शन की मोशन है एक्सेलरेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उस बॉडी के ऊपर उस प्रोजेक्शन के ऊपर जो वो लग रही होती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, अब हमारे पास लास्ट चीज़ आ गई है जो कि जिसके अंदर हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है।
यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ये W है ओमेगा का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो कांस्टेंट रहती है उस ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है। और शुरू में हम लोगों ने ये चीज़ बता दी थी कि ये जो बॉडी है, ये जो पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है, तो ये कांस्टेंट रहती है। इसी जगह पे अगर हम लोग कांस्टेंट लगा दें तो ax जो है वो इक्वल्स टू नेगेटिव कांस्टेंट इनटू x कांस्टेंट और इज इक्वल टू, अगर हम लोग हटाएं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन नेगेटिव x, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड दैट प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या हो गया, हमारा जो पहला आज के करने का काम था वो हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जो प्रोजेक्शन होती है किसी पार्टिकल की जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उसका जो प्रोजेक्शन मोशन परफॉर्म कर रहा होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसके टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम लोग इसके भी टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास ये प्रोजेक्शन है जो ये मोशन परफॉर्म कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है या फिर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, इसके टाइम पीरियड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, वो भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे उसकी भी बात कर लेते हैं, उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है, टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड हमारे पास इस प्रोजेक्शन का होगा, क्यू का होगा, टाइम पीरियड क्या मतलब कि फ़र्ज़ करो कि वो पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ और पॉइंट ए तक गया और फिर दोबारा पॉइंट बी के ऊपर आया। टाइम पीरियड का हमने क्या पढ़ा था कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन या फिर एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट होने में, एक साइकिल को या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा होता है, ये जितना टाइम लेती है बॉडी, कोई भी वाइब्रेटरी बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लेती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका जो एक साइकिल होगा या फिर इसका जो एक पीरियड होगा वो, या इसकी एक वाइब्रेशन होगी वो कितनी होगी कि बी से स्टार्ट हो ए पे जाए और वापसी बी पे आए। और अगर हम लोग देखें तो इसका टाइम पीरियड और इस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कब आएगी कि जब बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हो सर्कल के अंदर और यहाँ तक आए, ठीक है, जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई, फिर ये जो हमारे पास पार्टिकल है दोबारा यहाँ से चलना स्टार्ट हो और यहाँ पे जाए, तो जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास ये पार्टिकल अपना एक पूरा कंप्लीट करेगा सर्कल का चक्कर, तो हमारे पास जो ये प्रोजेक्शन है इसकी भी एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड हमारे पास पार्टिकल पी का जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पूरा कंप्लीट राउंड ट्रिप जब वो करेगा अपने सर्कल का, तो जो हमारे पास ये प्रोजेक्शन है ये भी अपना एक जो वाइब्रेशन है अपनी एक, ये अपना एक साइकिल है, ये भी जो है वो कंप्लीट कर लेगी। तो सिंपली हम लोग टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, थीटा अपॉन टाइम, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये टाइम पीरियड है। और हमें पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कंप्लीट सर्कल के अंदर, ये कंप्लीट हमारे पास एक रेवोल्यूशन के अंदर, अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, कितना डिस्टेंस होता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास 2π रेडियंस होते हैं। ये शायद हम लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो डिस्कस करके आ भी चुके हैं कि जब कोई बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाती है सर्कल के अंदर, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है, तो उसने इसका मतलब क्या हुआ कि 2π रेडियंस का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2π और अपॉन में टी, टी को यहाँ पे ले जाओ तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आई, टाइम पीरियड की वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 2π अपॉन ओमेगा, किसके बराबर आई, 2π अपॉन ओमेगा। और अगर इसको हम लोग कन्फर्म करें बुक से तो बुक के अंदर भी यही है, इसका मतलब कि टाइम पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना हो प्रोजेक्शन का तो आपको
ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए उसकी, और टू पाई पता होनी चाहिए। सिर्फ एक ये रिलेशन है, ये आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज़ के ऊपर, जो कि हमारे पास था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जो कि हम लोगों ने इस पार्टिकल या इस प्रोजेक्शन की जो है वो कैलकुलेट करनी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, फ़र्ज़ करो कि मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास पार्टिकल है वो अपनी पैथ ए बी के अंदर इस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, ये वो आ गया इस पॉइंट के ऊपर है, मतलब इतने डिस्टेंस के ऊपर है अपने मेन पोजीशन से, ये इसका मेन पोजीशन है, अपने मेन पोजीशन से इतने डिस्टेंस के ऊपर है, मुझे बताओ इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। या फिर मैं बोलूँ इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इतने डिस्टेंस के ऊपर है अपने मेन पोजीशन के ऊपर, तो मुझे बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन मोशन परफॉर्म कर रही है, हम लोग इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होगी, कि इसकी मेन पोजीशन के ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा होगी वेलोसिटी की वैल्यू, और जब ये अपने एंड के ऊपर पहुँच रही होगी तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि वो जो हमारे पास पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे आ रहा होगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आते आते ये हल्का होता जाएगा, फिर यहाँ पे आगे ज़ीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, फिर यहाँ से दोबारा इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, और मेन पोजीशन पे जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम लोग जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इसकी एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं, और डेरिवेशन के लिए सबसे पहले तो इसकी जो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है उसको हम लोग अगर कंसीडर करें कि पार्टिकल जो है वो यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो इस तरह से होती है टेंजेंट टू द सर्कल, और अगर इसको हम लोग इसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ें, ठीक है, अगर इसको हम लोग इसके कॉम्पोनेंट्स के अंदर तोड़ें, यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एक ये वाला कॉम्पोनेंट होगा और एक जो है ये वाला कंपोनेंट होगा। एंगल हमारे पास अगर हम लोग ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ये वाला और ये वाला जो है वो एंगल सेम होंगे, ये एंगल यहाँ पे सेम होगा, और अगर इन दोनों को देखें तो ये वाला एंगल यहाँ पे जाएगा, तो वी पी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और ये जो बन जाएगा फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वी पी वाई और वी पी एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। हम लोग अपने इस ट्राइंगल को जो है वो चेंज कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए उसके हिसाब से। ये ट्राइंगल ओ पी क्यू है, ठीक है, यही वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज में चीज़ है ये एक्स नॉट है जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई है, और ये एक्स है, और एक और ये वाला ट्राइंगल भी हम लोग अलग से करके बना लेते हैं ताकि अपनी आसानी हो, और इसको नाम दे देते हैं कि ये एस है और ये पी है और ये टी है, ठीक है, ट्राइंगल एस पी टी, ये आ गया आपके पास T, ये आ गया आपके पास S, और ये आ गया आपके पास P, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल है 90 डिग्री वाला, और ये आपके पास जो ये वाला कंपोनेंट है ये आपके पास वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, ये इस लीनियर वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट है, ये एंगल है, और यहाँ पे जो है आपके पास लीनियर वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट है, और इसी को जो है हम लोगों ने देखना है, किस वाले कंपोनेंट को देखना है, इस वाले कंपोनेंट को देखना है, इस वाले कंपोनेंट यानी कि ये वाली वेलोसिटी की जो वैल्यू वो हम लोगों ने देख रही है जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो इन ट्राइंगल एस टी पी, एस टी पी के अंदर हमने ये वाली वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो वी पी एक्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, वी पी साइन थीटा के, या फिर हम लोग और जो है वो थोड़ा अगर बेसिक से चले तो इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो, और यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा वाला रेशो लगाएं तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, ठीक है, परपेंडिकुलर में अगर देखें हम लोग तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी पी एक्स, ठीक है, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, तो वी पी, यहाँ पर वी पी, और
वी पी एक्स की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वी पी यहाँ पर चला जाएगा, तो यानी कि वी पी एक्स इज इक्वल्स टू वी पी साइन थीटा, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग पहले कर रहे थे लेकिन वो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आती, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद एक और अगर हम लोग यहीं पे रेफरेंस दें कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो आर ओमेगा के बराबर होती है, ठीक है, और यहाँ पे जो आर है वो हमारे पास बराबर है एक्स नॉट के, इसके अंदर डाल देते हैं वी पी एक्स इज इक्वल्स टू सबसे पहले आर ओमेगा, ठीक है, वी पी की जगह पे वही लीनियर का और एंगुलर का रिलेशन, और आर का भी हमने रेफरेंस दिया हुआ है कि वो एक्स नॉट के बराबर है, तो एक्स नॉट और यहाँ पे साइन थीटा। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर वन। अब यहाँ पे एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा कि इन ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक फार्मूला होता है, जितने लोग मैथ्स पढ़ लें उन लोगों ने शायद ये वाला फार्मूला पढ़ लिया होगा या बचपन में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने 8-7 क्लास के अंदर, जो कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास वन के इक्वल होते हैं। अगर कॉस को मैं वहाँ पे लेके चला जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कोसाइन क्रॉस करवाया तो ये इसकी साइन चेंज हो गई। अब दोनों तरफ मैं रूट ले लूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर, साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर दूँ, तो इक्वेशन नंबर वन क्या बन जाएगी, वी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा और साइन थीटा की जगह पे वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोबारा यहाँ पे अगर हम लोग कॉस थीटा जो है वो कंसीडर करें किस ट्राइंगल के अंदर, ओ पी क्यू के अंदर, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है, बेस आपके पास एक्स है और हाइपोटेन्यूस जो है वो आपके पास एक्स नॉट है, वही जो हमने पिछली वाली डेरिवेशन के अंदर किया था एक्स अपॉन एक्स नॉट। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ये वाली इधर आ जाएगी, तो वी पी एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट इंटू ओमेगा वन माइनस का स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर और अपॉन में ओमेगा का एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, मतलब स्क्वायर डायरेक्ट गिरा दिया क्योंकि इसके होल के ऊपर स्क्वायर था तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही होगी दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एक्स नॉट ओमेगा यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके अपॉन में वन है दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा आपके पास एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस वन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि एक्स का स्क्वायर है। एलसीएम लेना शायद मुझे लगता है कि सबको आता होगा क्योंकि हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी बार जो है वो डिस्कस कर चुके हैं यही वाली सारी चीज़, और मैथ्स के अंदर भी जो है वो आप लोग पढ़ रहे होंगे जितने लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं पता तो हम लोगों ने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये एलसीएम लेने वाली जो चीज़ है हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि कैसे होती है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं वो यहाँ पे आ जाता है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है जो आंसर आता है वो यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है जो आंसर आता है वो यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैथ्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी कि हम जो है वो इस अंडर रूट को जो है वो ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट किसके ऊपर है, दोनों के ऊपर है, न्यूमिरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक रूट ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं और एक जो है हम लोग एक्स नॉट स्क्वायर एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, मतलब रूट को दोनों के ऊपर तोड़ के लिख दिया, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा ऊपर जो है वो एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर और अपॉन में जो है वो आपके पास एक्स नॉट बच जाएगा और एक्स नॉट और एक्स नॉट यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली जो हमारे पास वी पी एक्स की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, फाइनली जो हमारे पास वी पी एक्स की वैल्यू बनी वो बनी ओमेगा इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जिसको यूज़ करते हुए, इसका फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए आप लोग किसी भी डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द मेन पोजीशन आप इस बॉडी की या इस प्रोजेक्शन की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, वो ये वाला फार्मूला है।
ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब कब होती है हमारे पास इस प्रोजेक्शन की, जो कि हम लोग पहले भी जो है वो दो तीन बार डिस्कस कर चुके हैं कि एंड्स के ऊपर जो है वो आपके पास इसकी वैल्यू बिल्कुल ही मिनिमम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो मेन पोजीशन के ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या देख रहे हैं, तीसरी चीज़ देख रहे हैं जो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, VPX जो कि हम लोग अभी कैलकुलेट भी इसका फार्मूला जो है वो कैलकुलेट भी कर चुके हैं। अच्छा, अगर इस फार्मूले को हम लोग दोबारा से यहाँ पे देखें तो W यानी कि ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, इस एक्स के ऊपर गौर करो, ये एक्स क्या चीज़ है, मेन पोजीशन से लेकर यानी कि ओ से लेकर हमारे पास उस बॉडी का डिस्टेंस जो कि पॉइंट ए और बी यानी कि यहाँ पे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस या कितना भी डिस्टेंस हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो अब अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर देखूँ, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ प्लस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ माइनस, मतलब अगर हम लोग इसको यूँ तोड़ दें एक्स और वाई के अंदर, तो एक्सट्रीम पॉजिटिव जो इसकी वैल्यू है यानी कि जहाँ तक ये जा सकता है वो क्या होगी, पॉजिटिव आपके पास एक्स नॉट, और जितना ये पीछे जा सकता है वो क्या होगी, नेगेटिव का एक्स नॉट। उसका मतलब प्लस और माइनस एक्स नॉट के ऊपर अगर हम लोग देखें, इसका अगर डिस्टेंस बढ़ते 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 ये यहाँ तक आ गया तो वो एम्पलीट्यूड बन जाएगा, एक्स तो नहीं रहेगा ना फिर वो। अगर यहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स है, अगर यहाँ पे है तो हम लोग बोल रहे हैं एक्स है, लेकिन वो अगर पॉइंट बी के ऊपर पहुँच गया या पॉइंट ए के ऊपर पहुँच गया, एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर पहुँच गया, तो वो एम्पलीट्यूड बन जाएगा। इसका मतलब कि ये एक्स ख़त्म होकर क्या बन जाएगा, एक्स नॉट। तो इसके ऊपर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो वी पी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो दोनों कंडीशंस के अंदर। ठीक है, फिर ये माइनस का और ये जो है वो आपके पास प्लस का क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ओमेगा ज़ीरो का रूट ज़ीरो, और जब ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज़ीरो। इसका मतलब इन कंडीशंस के ऊपर आपके पास जो वैल्यू होती है हमारे पास वेलोसिटी की, वो मिनिमम हो जाती है यानी कि स्लो हो जाती है। और ये चीज़ हम लोग बार बार पहले भी कह रहे थे कि जब ये प्रोजेक्शन आपके पास एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर पहुंचता है यानी कि यहाँ पे आता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ओ से स्टार्ट होता है, आस्ते आस्ते यहाँ आता है तो ये स्लो होता जाता है, फिर यहाँ पे आगे ज़ीरो हो जाती है इसकी, फिर दोबारा स्टार्ट होती है करते 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 यहाँ तक आता है तो फिर इसकी मैक्सिमम हो जाती है और हमारे पास यहाँ तक जाती है वैल्यू। ये इन कंडीशन के ऊपर इसकी जो है वैल्यू मिनिमम होती है। और अगर हम लोग देखें कि मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है कि जब आपके पास ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाए, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि देखें यहाँ पे जो हमारे पास पहली वाली चीज़ है वो एक्स नॉट का स्क्वायर है, ठीक है, और ये चीज़ माइनस हो रही है इसमें से, ये चीज़ जितनी भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आ रही है 200, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा और फिर उसका रूट होगा और वो आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम लोग कोई चीज़ माइनस ही ना करवाएं, ये पूरी की पूरी वैल्यू होगी, इसका रूट आएगा और जो मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कोई भी चीज़ इसमें से माइनस नहीं हो रही, उसका मतलब कि एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो इसकी वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी की मैक्सिमम आएगी। और एक्स ज़ीरो कब होगा, एक्स हम लोगों के पास है क्या, मेन पोजीशन से लेकर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब कि एक्स ज़ीरो, उसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो मेन पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है। एक्स ज़ीरो का मतलब क्या कि मेन पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है बॉडी, एट मेन पोजीशन, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। वी पी एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा, और जो चीज़ हम लोग माइनस करवा रहे होते हैं वो हमारे पास हम लोगों ने हटा दी, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया उसको, तो ये आपस में कट जाएगा और ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी दोनों चीज़ों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एट मेन पोजीशन जो बॉडी की वैल्यू है, वेलोसिटी, वो मैक्सिमम है, और एट एक्सट्रीम एंड्स जो है वो आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली। अब आखिरी चीज़ रह गई, वो भी देख लेते हैं, जो कि टाइम पीरियड है।
हमारे पास स्प्रिंग वाली वीडियो का, जिसको हम लोगों ने छोड़ा था और बोला था कि यहाँ पे एक चीज़ है जो हम लोग रिलेशन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला स्प्रिंग का। अच्छा, इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने देखनी है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन करेगा, तो हमारे पास टाइम पीरियड का हमने क्या बनाया, 2π/ω ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T, ठीक है। टी की वैल्यू ये है, यानी कि टी को उल्टा कर दो, इसका मतलब कि ω/2π फ्रीक्वेंसी का ये और टाइम पीरियड का ये। और टाइम पीरियड ऑफ आपके पास वो स्प्रिंग वाली जो ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो कैसे निकालेंगे, ये आगे तक जा रहा है, देख लेना इसको। स्प्रिंग वाले के लिए कैसे निकालेंगे, स्प्रिंग वाले में हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन है आपके पास, वो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस का k/m और इंटू एक्स। यही एक एक्सप्रेशन थी जो हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो कैलकुलेट की थी, कि एक्सेलरेशन जो होती है वो आपके पास माइनस का k/m इंटू एक्स के ऊपर होती है। कैसे किया था वो भी आप लोगों को पता है कि एफ जो होता है वो माइनस का kx के इक्वल होता है, फ्रॉम हुक्स लॉ, फिर एफ इक्वल्स टू ma के इक्वल होता है, वो सारा ठीक हो। यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाई थी। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो एक एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये बना ली, और एक एक्सप्रेशन जो है वो हम लोगों ने बनाई है किसकी, अभी ये जो पार्टिकल, ये जो हम लोग ये वाली चीज़ कर रहे थे, इसके अंदर बनाई थी, जो कि क्या थी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, जो कि ओमेगा का स्क्वायर इनटू एक्स, ठीक है। मतलब वही ए एक्स की जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट की थी पूरी आखिर में, जो आखिर तक लेके गए थे और इसको कॉन्स्टेंट कर दिया था, वो वाली एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये वाली एक्सप्रेशन है। ये जो है आपके पास किसके लिए, स्प्रिंग की एक्सेलरेशन के लिए, और ये जो है आपके पास इस प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन के लिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी। तो दोनों चीज़ें सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हैं, और दोनों की जो ये चीज़ है ये एक्सेलरेशन है, तो इनको हम लोग कंपेयर करवा सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन वन और टू वन और टू को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपके पास क्या आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k/m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा का स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर ओमेगा वाली को हम लोग इस साइड पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू k/m इंटू एक्स। इस एक्स से ये वाला एक्स भी कैंसिल हो गया, और अगर माइनस लगाना है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे काट दो इसको, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए। अच्छा, ये दोनों आपस में कट गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो चीज़ बची है वो क्या बची है, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m। यहाँ पे भी रूट लो, यहाँ पे भी रूट लो, ये आपस में कट गया, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू k/m आ गया अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और हम लोगों ने टाइम पीरियड की क्या वैल्यू बनाई है यहाँ पे, इस वाली जो है वो इस वाली मोशन के लिए टाइम पीरियड यहाँ पे लिखी हुई थी अभी, कि टाइम पीरियड जो होता है वो आपके पास 2π/ω के बराबर होता है, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे आएगा तो 2π/ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड यहाँ कर दिया, ओमेगा यहाँ कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 2π/T जो है वो आपके पास किसके बराबर है, k/m इंटू आपके पास ऊपर इसके जो रूट है। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले तो हम लोग इनको उल्टा कर देते हैं, t/2π और ये हो जाएगा m/k रूट के अंदर। अब इसको इज इक्वल टू की उस तरफ ले जाओ, तो टी इज इक्वल्स टू 2π/m/k अंडर रूट के अंदर, ये आपके पास टाइम पीरियड है किसके लिए, स्प्रिंग वाली बॉडी के लिए, ये स्प्रिंग वाले केस के लिए। स्प्रिंग वाला केस कहीं भी होगा और उधर आपको बोला जाए कि उसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ कि वो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड के अंदर, ये कितने मिनट के अंदर, ये कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो उसके लिए आपको उसका मास पता होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और 2π तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इससे हम लोग उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं सिर्फ एक दो इस इन दो चीज़ों से। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास 1/T के बराबर होती है, ठीक है। और 1/T के बराबर होती है, तो इसका मतलब इसको पूरे को
उलट दो, यानी कि 1/2π, ठीक है, ये पलट दिया और k/m, तो दोनों में फॉर्मूले आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर टाइम पता है, टाइम पीरियड पता है, तो डायरेक्ट उसको उलट दो तो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता देगा, और अगर टाइम पीरियड नहीं पता, डायरेक्ट आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो k और m की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो स्टडी कर ली। अब आखिरी केस रह गया जो कि पेंडुलम वाला है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।